26 मई 2021 चंद्र ग्रहण। गर्भवती महिलाएं क्या क्या करें सावधानियां और जाने किन किन राशियों को होगा इस ग्रहण से फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज मैं 26 मई 2021 को लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि किस समय पर लगने वाला है, चंद्र ग्रहण का समय क्या है, इस ग्रहण का प्रभाव किन किन देशों में होने वाला है, इसका सूतक मान्य होगा या नहीं, गर्भवती महिलाएं क्या क्या सावधानियां बरतें तथा इस ग्रहण से किन किन राशियों को फायदा होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है। ये एक खगोलीय घटना है जब सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती हुई पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य की किरणें चंद्र तक नहीं पहुंचती हैं। पृथ्वी चंद्र को पूरी तरह से ढक लेती है, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो 26 मई को लगने जा रहा है, यह ग्रहण वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो पूरे दुनिया में कई देशों में दिखाई देने वाला है, पर यह चंद्र ग्रहण भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दोस्तों, ये ग्रहण वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। ग्रहण का समय है दोपहर 2:18 से शुरू होगा, जो शाम को 7:19 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिका, ओशिनिया, अलास्का, कनाडा और दक्षिण अमेरिका में पूर्ण रूप से ग्रहण दिखाई देने वाला है, जबकि भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के लगने के समय पर सूतक काल का महत्व है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, पर 26 मई 2021 को भारत में सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम बंद नहीं होंगे, पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, मंदिर भी बंद नहीं होंगे, पर जहां पर पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण है वहां पर 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, वहां पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण मान्य होगा। इस समय पर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय पर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान की तस्वीर अपने पास रखनी चाहिए, धार्मिक किताबें पढ़ने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट के ऊपर गेरू का घोल बनाकर लगाना चाहिए, इससे जो पेट में पल रहा बच्चा होता है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस समय पर जिस समय ग्रहण हो उस समय पर महिलाओं को जो गर्भवती हैं उनको खाना नहीं बनाना चाहिए, कोई वस्तु काटनी नहीं चाहिए, चाहे सब्जी हो फल हो किसी चीज में चाकू नहीं चलाना चाहिए, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कढ़ाई सिलाई नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जिस समय ग्रहण हो खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई मेडिकल इश्यू है तो दवाइयां ले सकती हैं, पर पानी में तुलसी का पत्र डालकर। वैसे ग्रहण के दौरान घर के सभी सदस्यों को मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय पर किया गया मंत्रों का जाप विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। ग्रहण के दौरान घर में शांति का वातावरण होना चाहिए, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व होता है। इस समय पर किया गया दान व्यक्ति को मोक्ष का भागी बनाता है। अब आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण से किन किन राशियों को फायदा होने वाला है। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को धन लाभ के शुभ संकेत दे रहा है। अचानक धन लाभ हो सकता है, पर मानसिक तनाव बना रहेगा।
रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को व्यापार में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन सेहत को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरी राशि है कन्या राशि। इन राशि वालियों को तरक्की होगी, लेकिन जल्दबाजी इनको किसी फैसले में नहीं करना है। आर्थिक लाभ होंगे, नौकरी के योग हैं, व्यापार में लाभ होगा। चौथी राशि है मकर राशि। इन राशि वालों को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यापार में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, हर तरफ से इनकी उन्नति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।